राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस तरह से काम करते थे, इसके दो उदाहरण हैं। एक तो चरखा, जिसके लिए कहा जाता है कि चरखे ने आज़ादी दिलाई, लेकिन वास्तव में उसने हमें आर्थिक आज़ादी दिलवाई थी। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक कमर तोड़ दी थी, उनके विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार उनके लिए बहुत घातक रहा। दूसरा जो तरीका महात्मा गांधी ने अपनाया, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, वह है फाउंटेन पेन का उपयोग नहीं करना। उन दिनों गांधी जी अपना लेखन सरकंडे वाले पेन से करते थे। कुछ लोग हैं वो फाउंटेन पेन का उपयोग करते थे। सरकंडे वाला पेन छोड़ करके फाउंटेन पेन का उपयोग ज़्यादा बढ़ने से हुआ ये कि सरकंडे वाला पेन उपयोग में आना बंद होने लगा। गांधी जी को लगा कि हमारा जो ग्रामीण जीवन है, जिसमें सरकंडे से पेन बनाया जाता है, स्याही बनाई जाती है, स्याही की बट्टियाँ बनाई जाती है, उनका जीवन, जीविका का माध्यम खतरे में, उनकी, तब उन्होंने यह अभियान चलाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकंडे वाला पेन उपयोग में लिया जाए। वैसे तो सन 1884 में लुईस वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार कर दिया था, जिसमें नीब लगती थी, स्याही में डुबो करके चलाते थे, होल्डर भी कहते हैं जिसको। लेकिन इससे, इसके उपयोग से इनकार करने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश कंपनियां जो इस मशीन के द्वारा, फाउंटेन पेन को मशीनों के द्वारा बना रही है, उसे रोक उसके आयात को रोका जाए, फाउंटेन पेन के आयात को रोका जाए। गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मीराबेन को पत्र लिख करके कहा भी था कि वे अपना पत्र फाउंटेन पेन से नहीं लिखे। उसके पीछे भी उनकी यही सोच थी कि हमारा स्थानीय उद्योग, कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले। इस तरह के अनेक स्वदेशी की सोच के काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किए, जिसके द्वारा कि उन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी, राष्ट्र के लिए कुछ करें ऐसा भाव भरा, और तब जा कर के हमें यह आज़ादी प्राप्त हुई। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने फाउंटेन पेन जैसा ही रत्नम कलम का उपयोग प्रारंभ किया। इसका उत्पादन भारत में ही होता था। एक व्यक्ति ने उन्हें यह कलम भेंट की थी। महात्मा गांधी को ये उपयुक्त लगा कि हमारे देश का ही उत्पाद हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, और फिर बाद में उन्होंने इसे रत्नम कलम का उपयोग करना प्रारंभ किया। हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लेखन बहुत अच्छा था, उन्होंने जीवन भर बहुत लिखा, और उसके लिए उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया।